अचानक दिल्ली के विधानसभा चुनावों में ऐसा क्या पलटा हुआ? पार्टियां, सत्ता, ये आती हैं और जाती हैं। ऐसा लग रहा था अब तो ये एक इतिहास की पार्टी बनने जा रही है। ये तो बस दिल्ली इलेक्शन में साफ हो जाएंगे, उसके बाद ये थ्रू आउट इंडिया साफ हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो 9 महीने का जो नरेंद्र मोदी का शासन है वो केवल हवा का गुब्बारा साबित हुआ है। मुझे इसके ऊपर एक तरह से हंसी आ रही है। आखिर में कहीं लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार कहीं ना कहीं पीछे के बैकडोर से भू माफियाओं को संरक्षण देने में लगती है? सवाल ही नहीं उठता। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में भाजपा का शासन है सही से चल रहा है? उसे मैं नंबर 1 पर रखूंगा। आम आदमी पार्टी को राजस्थान में एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनने के लिए, एक स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उभरने के लिए अब और क्या करने की जरूरत है? यहाँ पर कोई बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के अहंकार का बदला दिल्ली की जनता ले लिया। ये 100 रुपए के मफलर ने 10 लाख के सूट को हरा दिया।